दिस इज क्षितिज, यू आर वॉचिंग नथिंग बट क्षितिज. सो आज हम करने वाले हैं ट्रेलर रिव्यू ऑफ द फ्लैशबैक. इफ यू डोंट नो वॉट इज फ्लैशबैक, ओके, इट इज़ अ मूवी विच इज़ कमिंग ऑन 4th of June 2021. ये मूवी होने वाली है फ्लैशबैक. इफ यू डोंट नो हु इज फ्लैश, ही इज़ ए सुपर हीरो फ्रॉम DC यूनिवर्स. सो उसके ऊपर एक मूवी आने वाली है. सो स्टार्ट. स्पेशल नहीं है, कुछ एक्शन सीन्स नहीं है, लेकिन थीम है ना जो इस मूवी की, जो इस मूवी की थीम है वो एकदम डार्क सेट की है. सो ओके, लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड. जितना मैंने देखा है अभी तक, ब्रेकडाउन नहीं देखा इस ट्रेलर का, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना समझा है मैंने, मुझे इतना पता चला है कि फ्लैश है वो, उसको कुछ हुआ है और वो पता करना चाहते हैं कि क्या हुआ है. ओके, इन द पास्ट. ये मूवी होने वाली है पास्ट और प्रेजेंट में, इसलिए इस मूवी का नाम है फ्लैशबैक. बैकग्राउंड स्कोर है ना इस ट्रेलर का बहुत अच्छा है. लव, रियली लव्ड इट. बैकग्राउंड स्कोर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मूवी में या किसी भी ट्रेलर में, और इस मूवी में अच्छे से किया है, कंपोज भी अच्छे से किया है बैकग्राउंड स्कोर. सो लव्ड इट. और डायलॉग्स भी एकदम अच्छे लग रहे हैं. जितना मैंने देखा है इस मूवी में, आई थॉट के एक्शन ज़्यादा होने वाले, लेकिन नहीं है इस मूवी में. इस मूवी में हम लोग देखने वाले कि कैसे जो फ्लैश है उसकी लाइफ कैसी है. और इस मूवी में एक्चुअली है ना सस्पेंस और थ्रिलर ज़्यादा है, नॉट एक्शन सीन्स. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ एक्शन सीन्स फ्रॉम दिस मूवी. ओके, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हो भी सकते, लेकिन अभी जो पहला ट्रेलर दिखाया है उसमें तो ऐसा एक्शन सीन्स नहीं है. और ये मूवी आने वाली है 4th of June को. ओके, सो रियली एक्साइटेड. थिएटर्स में आने वाली, सो आई विल गो एंड वॉच. अगर एज रेटिंग अंडर एडल्ट होती है, सो आई कैन गो एंड वॉच. अच्छी होने वाली है मूवी, आई एम रियली एक्साइटेड. एंड नथिंग फ्रॉम इट, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो है. सो रियली मूवी अच्छी ही होने वाली है. वैसे नहीं कि एक्शन सीन्स होने वाले, ज़्यादातर थ्रिल
और सस्पेंस होने वाला है. सो थैंक यू गाइस, यू वॉच्ड नथिंग बाय क्षितिज. दिस इज क्षितिज साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू, बाय.